हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का में। आज हम बनाएंगे शादियों वाली आलू गोभी। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में उतना तेल लेंगे जितना हमें ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हमने तेल ले लिया है और उसके अंदर हम कच्चे आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको तलेंगे। तेल सिर्फ उतना लें जितना आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अधिकतर होता है कि हम पहले तेल ज़्यादा ले लेते हैं और उसके बाद वो बचा हुआ फ्राई किया हुआ तेल हम रख देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। उस तेल को दोबारा यूज़ ना करें, तो कोशिश करें तेल उतना ही लें जितना हमें ज़रूरी है। ये आलूओं को हम हल्के गुलाबी होने तक तलेंगे और उन्हें निकाल लेंगे। गल गए हैं ये नहीं देखना, सिर्फ आपने गुलाबी होने तक उनको तलना है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आप बताएं कि आपके यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है। अब उसी तेल में हम गोभी फ्राई करेंगे। गोभी को सिर्फ हमने उतना फ्राई करना है जितने में वो हल्की हल्की गुलाबी दिखने लगे। ये देखिए कोने कोने से गोभी हो गई है, हम इसे निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में हम तेज पत्ते डालेंगे और एक चम्मच जीरा। इसमें एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हमने काली मिर्च डाली है 4-5। इसे भूनेंगे। जीरे को ब्राउन नहीं करना है, फ्लेवर ख़राब हो जाता है। हल्का सा गुलाबी होते ही उसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल दीजिए। हमने प्याज को कद्दूकस करके और उसको निचोड़ लिया है ताकि अच्छी तरीके से भून सके। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है, बादल गरज रहे हैं। तो हमने सोचा आज आलू गोभी और पूरी खाई जाए, तो क्यों ना रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। ये देखिए प्याज भुन चुकी है। अब इसके हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर थोड़ा सा उसको भी भूनेंगे। अभी हमने इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पेस्ट को थोड़ा सा भून रहे हैं। जब ये भुनने लगे तो फिर इसमें हम एक टमाटर डालेंगे। अगर आपको खट्टा करना है तो बेशक आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टमाटर बहुत है। और इसी के साथ जो हमने प्याज का पानी रखा था निचोड़ कर, वो मिक्स कर देंगे। अभी तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं, तो इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने हींग डाली है। हींग में को मैं कभी भी तेल में नहीं डालती हूँ, हमेशा मसाला भुनने के बाद डालती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाली है, हल्दी भून लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा गरम मसाला। फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, शायद ओले भी पड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ भी क्या ओले पड़ रहे हैं। बारिश का मौसम हो रहा है तो आलू गोभी और पूरी बनाने का टेस्ट भी डबल हुए जा रहा है। और इस मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे।
ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। जब चारों तरफ से तेल छूटने लगे तो समझ लीजिए आपका मसाला भुन गया है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलू गोभी डाल देंगे। और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले में बिल्कुल भी पानी ना डालें, सब्जी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करें, क्योंकि अगर आप पानी डाल देंगे तो वो जो मसालों का अरोमा होता है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। अब हमने इसमें पानी नहीं मिलाया और हम इसको 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि वो सारे फ्लेवर सब्जी के अंदर आ जाए। और थोड़ी देर बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मंदी गैस पर रख देंगे। कम से कम 5-7 मिनट बाद हम फिर इसको चेक करके देखेंगे। तो हम आलू चेक करेंगे, ये आलू हमारे गल चुके हैं और सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे और ये तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरी अगली रेसिपी से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।